गाइस कन्नड़ा इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार दुनिया विजय स्टारर फिल्म भीमा को आज सिनेमा घरों में रिलीज हुए 9 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इस फिल्म के 9वें दिन की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इस फिल्म के 10वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस आपको बताते चलें, फिल्म भीमा एक एक्शन थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 से ज्यादा की स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें दुनिया विजय, कल्याणी राजू, ब्लैक ड्रैगन मंजू, अश्विनी, अच्युत कुमार और रंगियाना राघू जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन दुनिया विजय ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को IMDb पर 7 out of 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 3.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 8वें दिन 70 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 9वें दिन यानी अपने दूसरे शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1.10 करोड़ रुपए की रेंज में दमदार कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म भीमा का टोटल 9 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 17.80 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए की रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, फिल्म भीमा ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 21.90 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 10वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, यह फिल्म अपने 10वें दिन यानी अपने दूसरे रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 1.30 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। आपको साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार दुनिया विजय स्टारर फिल्म भीमा को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।